हैदराबाद के भाग्यनगर में तब्दीली कोई गलत बात नहीं बीजेपी के लोकसभा की उम्मीदवार माधवी लता की मंत्र हैदराबाद का नाम अगर तब्दील करके भाग्यनगर रख दिया जाए तो इसमें कोई गलत बात नहीं है हैदराबाद को हमेशा से भाग्यनगर ही कहा गया है बीजेपी की जानब से हैदराबाद लोकसभा के लिए नामजद करदा पार्टी उम्मीदवार के माधवी लता ने एक टीवी चैनल को अपने इंटरव्यू के दौरान इन ख्याल का इजहार किया बीजेपी ने माधवी लता को जब से हैदराबाद लोकसभा से पार्टी उम्मीदवार बनाया है इस दिन से इन्होंने ऊट पटांग बयान का आगाज कर दिया है माधवी लता ने बैरिस्टर असदुद्दीन अवेसी एम सदर मजलिस को खुला चैलेंज किया है और इस बात का दावा किया है कि वो की वो हैदराबाद लोकसभा की नशिश ऐसी कामयाबी हासिल करेंगे माधवी लता ने कहा की चार मियादों ऐसी बैरिस्टर असदुद्दीन अवेसी हैदराबाद ऐसी नुमाइंदगी कर रहे हैं जबकि गुजशत चालीस साल ऐसी इस नशिश आरोप मजलिस का कब्जा है माधवी लता ने कहा की भैया अब हमारी बारी है इन्होंने कहा कि हमें भी एक मौका दिया जाना चाहिए ताकि हम शहर के अवाम की खिदमत कर सकें टीवी चैनल के नामा ने ये कहा की अबे साहब का ये कहना है कि बीजेपी हमेशा गलत बयानी करती है जैसे रोहिंग्या सर्जिकल स्ट्राइक और इन्हदामी कार्रवाई वगैरह इस पे माधवी लता ने कहा की आप जब रोहिंग्या मुसलमानों की बात करते हैं तो इनको हमारे मुल्क से कोई ताल्लुक नहीं है तो क्यों हमारे मुल्क के मुसलमानों का हिस्सा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी उम्मीदवार ने कहा कि वो मुसलमानों के साथ खड़ी होना चाहती हैं क्योंकि इन्हें हमेशा वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया है माधवी लता ने कहा कि इन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि पार्टी इन्हें हैदराबाद से उम्मीदवार नामजद करेगी वो हैदराबाद में पहले से ही खिदमत अंजाम देती आ रही है बीजेपी के उम्मीदवार ने कहा कि मुसलमानों को इंसाफ देना चाहिए और वो हमेशा से खुवा यतीमों और पसमानदा मुसलमानों की खिदमत करती आ रही है माधवी लता ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को अपना आइडियल करार दिया और कहा कि मोदी जी ने खीन के साथ इंसाफ को यकीनी बनाया है इन्हें पार्टी ने जब मौका दिया है तो वो खीन के इंसाफ के लिए काम करेंगी मैंने आठ साल से देख रही हूँ उन लोगों को और खास कर एक साल से हर दिन मैं वहां हर गली हर बस्ती में जा रही हूं मैं दिन में तकरीबन दस ग्यारह घंटा काम करती हूं मैं पूछे तो क्या है वहां पर वहां कुछ नहीं है आज ना पढ़ाई है ना हेल्थ फैसिलिटी है उनको ना रोड साफ है ना मोहल्ले में मोहल्ले में साफ मोहल्ले साफ है ड्रेनेज का पानी बहते रहता है मदारसे में बच्चों को खाना नहीं मिलता है मंदिरों को कब्जा होते रहता है हिंदुओं के घरों में वो लोग घर तक नहीं मालूम एक एक दीवार टूटता है तो नहीं पता है आ, आगे आके कौन आके उसको कब्जा करेंगे मुसलमान के घरों में बच्चे पढ़ते नहीं है बच्चे पूरे वहां पे चाइल्ड लेबर हो जाते हैं ना उनके पास पढ़ाई है ना उनके पास किस तरह से घर है ना उनको कोई भविष्य है क्या है उनके पास एक ही बात बचाए उन दोनों के बीच में लड़ाई जिसका जो चिंगारी तक वही डालते हैं, जिसका फायदा भी वो लोग उठाते हैं वो जो फायदा उठाते हैं उल्टा उनके लिए कुछ करते भी नहीं है लेकिन ऐसा एक मुद्दा हो तो बताएं आप ही सोचिए ऐसा ओल्ड सिटी कोई कोई ऐसा तो पहाड़ पे तो है नहीं वो ये समझने के लिए वो ट्राइबल्स है ओल्ड सिटी है? हैदराबाद के बीचों बीच है ऐसा हैदराबाद जो जब बंटवारा हुआ था आंध्र और तेलंगाना स्टेट का मांग के लिया गया था हैदराबाद उसका टैक्सेस उसका जो आमदनी है इतना बड़ा है वैसा हैदराबाद सिटी के बीचों बीच आप ओल्ड सिटी कॉन्स्टिटेंसी को देखते हो जहां गरीबी है बेबसी है अब बताओ तो क्या नहीं है वहां पर बहुत कुछ आगे लेके जाना पड़ता है उसको